के जब हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाए मोहम्मद अली पाकिस्तान बना, तो दिल में ख्याल आया तीन दुश्मन है, हिंदू है, अपने भी हैं, वो उसके बाद जो है ना वो अंग्रेज भी है, किस तरह लड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया डोंट वरी आई एम विद यू, और तू ना घबरा मैं तेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले कब्र परस्तों की कुछ अजीब और गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं। अगर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, समझ रहे हैं, कारोबार छोटा है, तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो, खुदा की कसम मैं कुरान और सर पे उठा के बता दूं आप मालदार हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास अमीर होने का फॉर्मूला है, तुम गौस का नाम लेने से अमीर हो जाते हो, तो फिर हमसे चंदा क्यों लेते हो? नहीं, क्यों लेते हो चंदा? जगह जगह पर तुम लोगों ने चंदे के डब्बे लगा रखे हैं, जगह जगह से तुम चंदे लेते हो, ऑनलाइन चंदे लेते हो, ऑफलाइन चंदे लेते हो, मस्जिदों में चंदे लेते हो, दरसगाह जो है आपके वहां चंदे लेते हो, आपके जलसे होते वहां भी चंदे लेते हो, तो फिर इस चंदे का करते क्या हो? एक काम करो, गौस का नाम लो और भाई अमीर हो जाओ। तो भाई चंदा लेते क्यों हो? ये जो बंदा बयान कर रहा है इस बयान के भी ये पैसे लेगा। नहीं, एक काम करो, गौस का नाम लो और अमीर हो जाओ, चंदा क्यों लेते हो फिर? दुनिया में जो अमीर तरीन मुल्क हैं या फिर लोग हैं, या तो वो क्रिश्चियन हैं या फिर वो वहाबी हैं। क्रिश्चियन जो है वो आपके गौस को जानते नहीं हैं, और वहाबी जो है वो आपके गौस का नाम लेते नहीं हैं, वो सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं। आप तो लिस्ट में हो ही नहीं, आपके पास तो फॉर्मूला भी मौजूद है कि अमीर कैसे होना है, फिर भी आप चंदे ले रहे हो, फिर भी आप लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हो, क्यों? क्यों नहीं आप लोग अपने गौस का नाम लेते हो और अमीर हो जाते हो? और ये अमीर होने का फॉर्मूला जो है ये सहाबा को नहीं मालूम था, उन्होंने तो भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हैं, और ये जो है ये अमीर होने का तरीका सिखा रहे हैं लोगों को और खुद चंदा ले रहे हैं। आप जिसे गौसे आजम कहते हैं, यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो अल्लाह के वली थे, मैं भी मानता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन गौसे आजम नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई गौसे आजम नहीं है। जब उनकी वफात हुई ना, तो उनकी जो कब्र है उसके ऊपर जो इमारत बनी है, वो इमारत जो बनी है ना, वो भी चंदे के पैसों से ही बनी है, वहां पर भी चंदे इकट्ठा किए गए, और उनका जो आस्थाना है ना, वहां पर भी चंदे के डब्बे लगे हुए हैं, और वहां पर भी लोग चंदे देते हैं। अरे आपके गौसे आजम तो खुद अपनी जो मजार है वो नहीं बना पाए, और आप बात करते हैं कि वो आपको अमीर बना देंगे। नहीं, मतलब बेवकूफी की हद होती है। वैसे तो ये लोग पीरों की करामात सुनाते हैं कि किस तरह से पीर साहब ने सोने का पेड़ बना दिया, किस तरह से पीर साहब ने सोने का अंडा बना दिया, किस तरह से पीर साहब ने हीरे जवाहरात जो है वो बनाए, लेकिन जैसे ही चंदे मांगने का वक्त आता है तब ये लोग अल्लाह के नाम पर चंदे मांगते हैं। या अल्लाह पाक, जो कोई शबे बरात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमोबेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दाऊद इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले, और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे, नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे, और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। और ए अल्लाह पाक, जो बेचारा दे ही नहीं सकता ना, मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है ये कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। जी हाँ, ये वही मदीने का कुत्ता, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लकब है, यानी कि इलियास कादरी हैं, जो कि कैमरा आने से पहले अंधों को ठीक करते थे, जो गूंगे होते थे उनको ठीक करते थे, और जिनको बीमारियां होती थी उनको ठीक करते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा आया अब ये कैमरा के सामने जो है अब ये चंदे मांगते हैं। वैसे तो ये लोग अक्सर जो हैं अपने पीरों की करामात बयान करते हैं, किस तरह से उन्होंने सोने का पहाड़ बना दिया, किस तरह से उन्होंने जो है सोने का पेड़ बना दिया, किस तरह से उन्होंने सोने का अंडा बना दिया, लेकिन जब मांगने का वक्त आता है तब अल्लाह के नाम पर मांगते हैं, क्यों? असल में वजह यह है कि अल्लाह के नाम पर तो सभी देते हैं, चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी मसलक का हो, वो अल्लाह के नाम पर देते हैं, और गौस के नाम पर, इनके गौस के नाम पर सभी नहीं देंगे, इसीलिए ये लोग अल्लाह के नाम पर मांगते हैं। वैसे तो ये लोग वहाबियों और देवबंदियों से बहुत नफरत करते हैं। जिस घाट पर वहाबी बैठ जाए वो घाट तोड़ देना, जिस बर्तन में पानी पी ले वो बर्तन फेंक देना,
इसलिए कि मेरा अपना इतकाद तो यह है, कुत्ता मुंह डाल दे तो बर्तन पाक हो सकता है, वहाबी मुंह डाल दे तो बर्तन पाक नहीं। लेकिन जैसे ही चंदे मांगने का वक्त आता है तब ये नहीं कहते कि वहाबी से मत लेना, देवबंदी से मत लेना, तब तो चंदा किसी से भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी मस्जिद में जाओगे, इनके मदारिस में जाओगे, वहां पर वहाबियों और देवबंदियों को नहीं आने देते, लेकिन चंदे ये लोग सभी से लेते हैं। मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे शेख तरीकत सैयदी वसनदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात बुला लिया, आपने ऐलान फरमाया है कि ये शब बरात या फिर ये पूरा शाबान का महीना, इसके अंदर जो बंदा भी दावत इस्लामी को 1500 रुपए अपने रिस्के हलाल में से दे, आपने उसके लिए बहुत दुआएं फरमाई है, दुनिया के लिए, आखरत के लिए, बेहतरी के लिए, खात्मा बिल खैर के लिए। आप जितने हजरात हैं, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप 1500 रुपए जमा करवाएंगे? तरगीब के तौर पर फकीर सबसे पहले 1500 रुपए जमा करवाता है, तरगीब के तौर पर। तो आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, ये कोई निगरान हो तो वो मेरे 1500 रुपए कबूल फरमा ले, और आप जितने हजरात हैं ये जब भी निगरान आएंगे तो फिर उनको अता कर दीजिएगा। तो आप हजरात भी कोशिश, हजरत शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, आ जाइए। तो अगर आप अभी देना चाहें तो सुभान अल्लाह, और अगर आप बाद में देना चाहें तो तब भी सुभान अल्लाह। ये देखिए, आशिकाने रसूल को कहा जाए तो मदीना मदीना, ये 1500 रुपए आज दे दे, कल दे दे, परसों दे, रमजान शरीफ में दे दे, आपके लिए दुआ हो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, और अमीर आले सुन्नत की दुआओं को वसूल कीजिए। ये जो बंदा आप देख रहे हैं चंदा मांगते वक्त कितना शांत है, कितना मतलब कितना क्यूट बना हुआ है चंदा मांगते वक्त, लेकिन जैसे ही इसको चंदा मिल जाता है फिर ये कुछ ऐसा बिहेव करता है। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल अखबसुन नास अरजलुन नास अफ्तनुन नास। तो ऐसे मनहूस शक्ल कबीहुल अक्ल यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल। चंदा मांगते वक्त ये लोग बहुत शरीफ होते हैं, चंदा मांगते वक्त भाई मेरे ये बहुत शरीफ होते हैं, इंसान कहता है कि इनको अपनी जान दे दे, इतने शरीफ हो जाते हैं। लेकिन चंदा मिलने के बाद इनके जो हाथी के दांत होते हैं वो दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये लोग आखिर इन पैसों का करते क्या है, जो ये चंदे लेते हैं इन पैसों का करते क्या। अब बहुत सारे लोग जिसमें अतारी मौजूद होंगे कि सीना चौड़ा करके आएंगे, अहमद तबरेज ये लोग इन पैसों से मदारिस बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कौन सा एहसान करते हैं, कौन सा एहसान करते हैं? मेरे भाइयों, दावत इस्लामी की जो मदारिस हैं उसमें फीस ली जाती है। जी हाँ, फीस ली जाती है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि दावत इस्लामी की जो मदारिस हैं वो फ्री है, नहीं फ्री नहीं है, वहाँ पर फीस ली जाती है। और यही तो प्राइवेट स्कूल करते हैं कि वो हमसे फीस लेते हैं और बच्चे पढ़ाते हैं, तो मेरे भाई फिर क्या फ़र्क रहा। लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो हमसे चंदा नहीं लेते, लेकिन दावत इस्लामी वाले जो हैं एक तो चंदा भी लेते हैं और फीस भी लेते हैं। आप चंदा लेते हो फिर भाई आपको गरीबों के बच्चों को फ्री पढ़ाना था, लेकिन नहीं, आप उनसे फीस मांगते हो, वो पढ़ नहीं पाते। मेरे भाई, ये जो चंदा आप लेते हैं गरीबों का हक है, अगर आप ये चंदा ना लो तो हम ये किसी गरीब को देंगे और फिर वो गरीब जो है किसी ना किसी जगह अपने बच्चे को पढ़ाएगा इन्हीं चंदे के पैसों से। लेकिन आप गरीबों का हक मारते हैं, वो चंदा खा जाते हैं, खुद को लेते हैं वो चंदा, और फिर जब गरीब का बच्चा आपके पास पढ़ने आता है उसे फीस मांगते हैं। ये क्या बात हुई कि आप चंदा भी लेते हो और आप फीस भी लेते हो? या तो आप चंदा लो और बच्चों को फ्री पढ़ाओ, या तो आप फीस लो और जो फिर फीस अदा कर सके उसको पढ़ाओ, जैसा कि प्राइवेट स्कूल करते हैं। आप लोगों ने गरीबों का हक मारा, जो सदका उनको मिलना चाहिए था, जो जकात उनको मिलनी चाहिए थी, वो आपने हड़प कर लिया और आप उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। ये तो सरासर जुल्म है। ये लोग ऑनलाइन चंदे लेते हैं, ऑफलाइन चंदे लेते हैं, जहां भी देखो चंदे लेते हैं, और इंटरनेशनल जो मुल्क है, सारे मुल्क जो है वहां से भी चंदे लेते हैं, अरबों रुपए इनके जमा होते हैं, और आज तक इन्होंने हिसाब नहीं दिया कि इन पैसों का किया क्या जाता है। जिन मदारिस और तालीमी इदारों के नाम पर इन्होंने चंदे इकट्ठा किए हैं वहां पर ये लोग फीस लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अहमद तबरेज़ फिर इन पैसों का होता क्या है, क्या किया जाता है? तो मेरे भाई, जो ये इंडिया के चक्कर लगाते हैं, जो ये लोग बाकी कंट्रीज जो है वहां पर घूमने जाते हैं, उन पैसों से वही होता है। उन पैसों से, उन चंदे के पैसों से अयाशियां की जाती हैं, ये लोग वो खुद को हड़प कर जाते हैं। जी हाँ, खुद को हड़प कर जाते हैं। हालांकि इनका जो बड़ा वाला पीर है, यानी कि मदीने का कुत्ता इलियास कादरी, वो कहता है कि मैं ज़कात का मुस्ताहिक हूँ। इस वक्त जैसे जब मैं बैठा हूँ, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह में ज़कात मांग नहीं रहा। अल्लाह इससे महफूज रखे, मेरे को, मेरी आल को भी महफूज रखे। वो अगर जैसे कोई मुझे ज़कात दे ना, उसकी ज़कात हो जाएगी, मैं इस पोजिशन में हूँ। वाह मेरे भाई वाह, इलियास कादरी जो है वो ज़कात का मुस्तहिक है, ठीक है, मान लेते हैं। तो मेरे भाई, ये क्या है फिर? ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ये आई कहाँ से?
ये आई कहाँ से? आप तो ज़कात के मुस्ताहिक हैं, है ना? ये फिर गाड़ियाँ आई कहाँ से? और ये जो आपने मकान बनाया है ये आया कहाँ से? अच्छा खासा मकान है इसका, बड़ा सा मकान है भाई, शान में रहता है ये, अमीरों वाली ज़िंदगी जीता है, तो फिर ये पैसे आए कहाँ से? ये जो आप नए नए कपड़े पहनते हैं ये आए कहाँ से? मेरे भाइयों, इलियास कारी का क्लेम है कि वो ना तो दावत इस्लामी से पैसा लेता है, ना उसने जो अजीबोगरीब किताबें छापी हैं उससे पैसे लेता है, और ना ही किसी दीनी मजलिस से पैसे लेता है, मतलब कहीं भी ये पैसे नहीं लेता, और ना ही इसका कोई काम है, कोई भी कारोबार नहीं है। फिर ये पैसा आता कहाँ से है? आता कहाँ से है ये राज? ये राज तो भाई ये बयान कर दो ये राज। और इलियास कादरी कहता है कि मैं ज़कात का मुस्ताहिक हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे भाई, ऐसा गरीब हर कोई बनना चाहता है कि मेरे पास गाड़ियाँ हो, 10-12 गाड़ियाँ हो, मेरे पास बड़ा सा घर हो, और शाम को पकवान पकाए जा रहे हो, रोटियाँ और बोटियाँ यूँ बड़ी बड़ी रोटियाँ हो और बड़े बड़े पकवान हो। भाई ऐसा गरीब हर कोई बनना चाहता है। भाई आपके जो खाने के पैसे आते हैं, ये जो आप पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपका घर जो है, ये गाड़ियां हैं, ये फिर आई कहाँ से? हाँ, अगर आप ज़कात के मुस्ताहिक हैं फिर ये आई कहाँ से? ये इन्हीं चंदू के पैसों से आती हैं। इसी तरह से ये लोग कौम को लूटते हैं, इसी तरह से ये लोग, इन लोगों ने कौम को बेवकूफ़ बनाया है, और दावत इस्लामी के नाम पर इन्होंने बहुत 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 इन लोगों ने चंदे खाए हैं, बहुत पैसे खाए हैं इन लोगों ने। आप खुद देख लेना, इनकी 30,000-40,000 मैक्सिमम 1,00,000 तनख्वाह होती है, लेकिन पता है इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होती हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। ये पैसे आए कहाँ से इन पे? कहाँ से आए? जहाँ पर गरीब आवाम मर रही हैं वहाँ पर ये मौलवी अयाशा कर रहे हैं, इलियास कारी मुल्क मुल्क घूम रहा है, इसके जो बाकी हबीब अतारी, वो इमरान अतारी, वो जहाँ देखो आयरलैंड में होते हैं, यूके में होते हैं, ये पैसे आते कहाँ से हैं? और फिर लोग कहते हैं कि हमें पैसों की शॉर्टेज होती। मैं भाई, बाकी मुल्कों को देखने से पहले अपनी आवाम को देख लो, भूखी मर रही है, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो, तुम लोग बेशर्मो बेहया इंसानों, कम से कम थोड़ी बहुत शर्म कर लो। और बहुत सारे अत्तारियों को ये वीडियो देखने के बाद दर्द हुआ होगा, मखसूस जगह पर उनको पेन होगी, तो मेरे भाई आपके लिए मैं इलाज लेके आया हूँ। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द, फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। अब आप दर्द की जगह पर हाथ रखना और कहना बाबा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, लेकिन भाई घोड़ी से थोड़ा दूर रहना, ठीक है? ओके। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।